अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बनाते हैं आज फ्रेंच बीन की सब्ज़ी, और इसमें डालेंगे थोड़े से आलू। तो वैसे सब्ज़ी तो सभी बनाते होंगे, लेकिन सबका बनाने का तरीका अलग अलग है। तो मेरा भी बनाने का तरीका देख लेते हैं, मैंने क्या किया है और कैसे करूँगी। सबसे पहले फ्रेंच बीन्स आपको जैसे शेप में चाहिए वैसे काट लें और छोटे छोटे उसमें आलू ऐड कर दें। देन आपको खोपरा, ये टमाटर आपको दिख रहे हैं फाइनली यहाँ पर चॉप करके रखी हूँ, और इसके अंदर मैंने खोपरा, लहसुन, ज़ीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, आपको हरी मिर्ची ये ऐड कर देना है, और ज़ीरा अच्छे से आपको मिलाकर मिक्सी में दरदरा दरदरा ही पीसना है, बारीक नहीं पीसना है। बारीक वाला जो है वो अलग मसाला होता है। तो चलिए, पीसने और दरदरा पीसने में, एकदम बारीक पीसने में और दरदरा पीसने में फ़र्क है। सबसे पहले प्याज फ्राई कर लेंगे, उसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से फ्राई करेंगे, लाइट जैसे ब्राउन होता है ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जो हमने मसाला बनाया है ना दरदरा वाला, वो और टमाटर जो चॉप करके वो हम साथ में क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर चॉप प्याज जो है वो फ्राई हो रही है। मैं इसको स्लाइसर से काटती हूँ हमेशा, और हल्का सा नमक ऐड करने से क्या होता है, प्याज जल्दी से गलना शुरू होती है और जल्दी से ब्राउन होती है। तो हम इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि जल्दी जल्दी ब्राउन हो जाए नमक के सहारे। और ये रहा हमारा फ्राई होने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रोसेस के लिए। फिर उसमें हल्की सी हमें हल्दी ऐड करना है, ठीक है। और नॉर्मल जैसे मैं बता रही हूँ उसको, अगर ऐसे ही बनाओगे सेम तो बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, और आगे प्रोसेस देखते हैं। टमाटर ऐड करते हैं इसके अंदर, देन टमाटर थोड़ा सा भुनने लग जाए तो उसमें हम लोग मसाला ऐड कर देंगे जो मैंने दरदरा किया है। फिर उसके बाद जो हमारी फ्रेंच बीन है उसको ऐड करेंगे, और फिर उसको अच्छे से बारीक काटना है, पहले वॉश कर लेना है, देखना है कीड़ा वगैरह नहीं है। तो ये देख सकते हो दरदरा मसाला मैंने ऐड कर दिया है। जो मैंने दरदरा मसाला बनाया है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा डालना तभी आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसको फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से सॉटे कर लेते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद जैसे इसकी मसाले की जो खुशबू है ना, पूरे किचन में आपके महक जाएगी, और आस पड़ोस वाले भी पूछेंगे क्या बनाया आज। तो बता देना कि फ्रेंच बीन बनाए हैं आज कुछ अलग टेस्ट वाले। तो इसमें पता है कि कोई कोई जो झींगे वगैरह डालते हैं ना, झींगे भी डाल सकते हैं, करदी भी डाल सकते हैं, उससे उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो ये मेरा मसाला पक गया है, आप देख सकते हो तेल की जो तरी है वो ऊपर आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंच बीन जो हमने कट करके रखे थे, फिर उसके बाद उसको आपको मिला लेना है। तो ये देख सकते हो उसको हमने मिलाने के लिए ले लिया है, और ये मिलाने के बाद थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी ऐड करना है, फिर उसको 5-10 मिनट के लिए ढककर रख लेना है। जैसे आपको कितना सॉफ्ट चाहिए, कितना कड़क चाहिए, क्योंकि आलू तो गलना ही चाहिए। आलू गल गया इसका मतलब आपकी सब्ज़ी बन गई है। तो फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। ये देखिए उबल रही है, पानी तरी छोड़ चुकी है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग खाने के लिए लेंगे। कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत सारी वीडियो के लिए थैंक यू फॉर